हेलो दोस्तों, मैं अनुरोध यादव निर्णय एकेडमी के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल में जो है भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां से कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे आप टेट दें, सुपर टेट दें, SSC दें, UP SSS दें या UP PCS दें, तो हर जगह आपसे इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, आज इसी पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, दोस्तों कैसी है, इसके विषय में हम लोग आज डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर जो भारत है आखिर भारत का नामकरण किस प्रकार से पड़ा, कौन कौन सा नाम कैसे कैसे कब कब आया। तो सबसे पहले भारत को दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और यह आर्यावर्त जो है किसने कहा था, किसने नाम दिया था? तो आर्यावर्त जो नामकरण है दोस्तों, इसका नामकरण किया था आर्यों ने। किसने किया था? आर्यों के द्वारा भारत को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, आर्यावर्त किसके द्वारा? तो आर्यों के द्वारा दिया गया है। दूसरा है दोस्तों, इसको जो है भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। किसके नाम से? हिंदुस्तान के नाम से। आखिर भारत को जो है हिंदुस्तान किसने कहा, किन लोगों ने कहा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जो है यह कहा गया ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो है इंडिया। इंडिया अर्थात भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। किसने कहा दोस्तों? तो यूनानियों ने कहा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है इंडिया किसने कहा, तो इंडिया कहा यूनानियों के द्वारा कहा गया। ठीक है, अगला है इन तू। भारत को इन तू किसने कहा है? तो भारत को इन तू जो है चीनियों के द्वारा कहा गया है, या चीन के नागरिकों ने कहा है। किसने कहा है? तो चीनियों ने कहा है दोस्तों। ठीक है, और जो वर्तमान में हम भारत के नाम से जानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आर्यों के राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, और उन्हीं अर्थात आर्यों के राजा, ध्यान दीजिएगा, आर्यों के राजा भारत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? भारत पड़ा। तो अगर आपसे नाम से संबंधित सवाल पूछा जाए कि आर्यावर्त किसने कहा, तो आर्यों के द्वारा कहा गया। हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों ने कहा। इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। इंतु किसने कहा? चीनियों ने कहा। भारत, आर्यों के राजा भरत के नाम पर जो है क्या हुआ, इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं हम भारत की स्थिति के विषय में। ठीक है, भारत की स्थिति के विषय में बात करते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम भारत की स्थिति स्थिति तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही स्थिति का आकलन किया जाता है। तो अगर हम स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। किस गोलार्ध का देश दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध का देश है। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टिकोण से अर्थात यह भारत जो है, जो आप लोग मैप में देख रहे हैं, यह विषुवत रेखा से उत्तर है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों देशांतरी दृष्टिकोण से। देशांतरी दृष्टिकोण से तो दोस्तों, देशांतरी दृष्टिकोण से यह पूर्वी गोलार्ध का देश है। किस गोलार्ध का देश है? तो पूर्वी गोलार्ध का देश है। अर्थात जैसे मान लीजिए यह ग्लोब है, ग्लोब में यह 0 डिग्री है, अर्थात विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से उत्तर, और यह जो 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों, इससे पूर्व अर्थात
जीरो डिग्री देशांतर से पूरब और जीरो डिग्री अक्षांश से उत्तर स्थित है। इसलिए अगर केवल और केवल दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों कि आखिर भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार का, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमेशा दक्षिण से उत्तर होगा। कहां होगा दोस्तों? तो दक्षिण से उत्तर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो भारत का दक्षिण से विस्तार अर्थात यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर दोस्तों माने विषुवत रेखा से क्या होगा, उत्तर है, लेकिन भारत के दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर है कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जो है वह दक्षिण से उत्तर, कहां से? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह मुख्य भूमिका विस्तार है। किसका विस्तार है? यह मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अगर हम द्वीपों को भी ले लेंगे, क्योंकि दोस्त यहां पर क्या है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसका जो आखिरी बिंदु है, जो जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो यहां से अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अर्थात अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें द्वीपों सहित, तब हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा जो है अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो वह जो है दक्षिण से उत्तर होगा। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, देशांतरी विस्तार हमेशा पश्चिम से पूर्व होगा। तो पश्चिम से पूर्व, तो यहां पर देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि देशांतरी विस्तार पश्चिम से पूरब कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पश्चिमी पूर्वी विस्तार निम्नलिखित में से क्या होगा, या दक्षिण से उत्तर विस्तार क्या होगा, या क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर भारत की जो भौगोलिक सीमा है वह कौन कौन सी है, जो प्राकृतिक रूप से हम जानते हैं, प्राकृतिक रूप से जानते हैं। अगर हम उत्तर की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर में आप जानते हैं क्या है? उत्तर में हिमालय है। क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर में हिमालय पर्वत। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, और अगर बात करें पश्चिम में दोस्तों, पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में है आपका सुलेमान पर्वत। कौन सा है? सुलेमान पर्वत, हिंद कुश और सुलेमान पर्वत। ध्यान रखिएगा, हिंद कुश व सुलेमान पर्वत, जबकि पूरब में कौन सी है? यह है पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्राकृतिक भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है, तो
तो भारत का प्राकृतिक रूप से भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत से लेकर पूरब में पूर्वांचल पहाड़ी तक है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर भारत जो है, भारत भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब दोस्तों यहां पर एक नया टर्म मिल गया, महाद्वीप। क्या मिला? महाद्वीप। आखिर महाद्वीप कहते किसे हैं? तो महाद्वीप जो है पृथ्वी की विस्तृत भूभाग की इकाई को, विस्तृत भूभाग इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और इसी महाद्वीप अर्थात एशिया महाद्वीप का ही भाग या देश कौन सा है? भारत है। एशिया महाद्वीप का भाग कौन सा है? भारत है। और भारत जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिण में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का। और एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है? तो दक्षिण एशिया में स्थित है। कहां पर? तो दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों यहां पर, तो भारत को विशालता के आधार पर, यानी इसका क्षेत्रफल इतना अधिक है, विश्व का सातवां बड़ा देश है, भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो विशालता के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। विशालता के कारण क्या कहा गया है? विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब यहां एक बहुत शानदार क्वेश्चन बता है कि आखिर उपमहाद्वीप के अंतर्गत केवल भारत अकेले आता है या और कोई देश इसके अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका बांग्लादेश भी आएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। नेपाल, भूटान, अर्थात कितने देश आएंगे? तो दोस्तों पांच देश आएंगे। कितने देश आएंगे? तो पांच देश आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पांच देशों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? यह जो आप देख रहे हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। कितना है? 2.4% है विश्व के कुल भूभाग का। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। कौन सा देश है? सातवां बड़ा देश है दोस्तों। और भारत से बड़े छह देश हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे आएगा रूस। पहले नंबर पे कौन सा? रूस। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है दोस्तों? कनाडा। तीसरे नंबर पे चीन। चौथे नंबर पे यूएसए। पांचवें नंबर पे ब्राजील। और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आपका कौन सा है दोस्त? भारत। कौन सा देश है? भारत। और आठवें नंबर पे आपका आता है अर्जेंटीना। कौन आता है? अर्जेंटीना आता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह पूरे विश्व का 2.4% भूभाग घेरे हुए है। और यह विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, यूएसए।
ब्राजील ऑस्ट्रेलिया है, सातवें नंबर पे भारत है, और आठवें नंबर पे कौन सा है, तो आठवें नंबर पे आपका अर्जेंटीना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कि भारत का उत्तर से दक्षिण, तो यह आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण यहां से यहां तक आखिर उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है भारत की, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम जनसंख्या के आधार पर कि जनसंख्या के आधार पर भारत की क्या स्थिति है। जनसंख्या के आधार पर भारत की जो स्थिति है दोस्तों वह दूसरी है। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है भारत। और यहां पर भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास कर दी है। अगर हम देखें तो भारत से बड़ा देश कौन सा है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पहले नंबर पे आपका चीन है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, स्वयं भारत है। कौन है दोस्तों? तो स्वयं भारत है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे यूएसए है दोस्तों। और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। और पांचवें नंबर पे कौन है दोस्तों? तो ब्राजील है। पांचवें नंबर पे कौन सा है? ब्राजील है दोस्तों। और छठवें नंबर पे पाकिस्तान, छठवें नंबर पे पाकिस्तान है। और सातवें नंबर पे जो है आपका बांग्लादेश। और आठवें नंबर पे दोस्तों आपका है रूस। तो ध्यान रखिएगा यहां से सवाल बन सकता है, यहां से सवाल इसलिए बनेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, जबकि जनसंख्या के आधार पर उसका नंबर किस पोजीशन पे आता है, तो आठवें नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यहां पर विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहां निवास करती है, तो भारत में करती है। कहां करती है? भारत में करती है, जबकि भारत में जो है विश्व के कुल भूभाग का 2.4% क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। जबकि जनसंख्या के आधार पर अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो वह उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूछा जाएगा भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व वाला राज्य? बिहार। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। कौन है? केरल है। तो ध्यान रखिएगा यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। सबसे अधिक साक्षरता कहां पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत के अंतिम बिंदु की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आखिर अंतिम बिंदु कहते किसे हैं, क्या है अंतिम बिंदु,
यानी कि कहने का मतलब है कि भारत की आकृति को अगर हम देखें तो भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणी है, अर्थात चारों दिशाओं में फैली हुई नजर हमें आती है। जब चतुष्कोणी है तो अर्थात इसका जो है कुछ न कुछ ऐसा जगह होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जो सबसे उत्तर में स्थित होगा, जो सबसे उत्तर में स्थित होगा, और कोई ऐसा बिंदु होगा जो सबसे दक्षिण में होगा, सबसे पश्चिम में होगा, और कहां होगा दोस्तों, वह होगा और सबसे पूरब में। तो अर्थात चारों दिशाओं में कोई ना कोई ऐसे बिंदु होंगे जो सबसे अंतिम छोर में होंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करें सबसे उत्तर में क्या है, नए मैप के अनुसार, नए मानचित्र के अनुसार वर्तमान में सबसे उत्तर में भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। यहां पर कौन सा है? लद्दाख है। अर्थात उत्तरी बिंदु कहां होगा? लद्दाख में होगा। दक्षिणी बिंदु यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु है, और यहां पर कौन सा है? यह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और यह कौन सा है? गुजरात है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी अंतिम बिंदु होंगे वह इन्हीं चार राज्यों में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल है। और इंदिरा कॉल कहां पर है दोस्तों? तो इंदिरा कॉल लद्दाख में है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के रूप में जानते थे, लेकिन अब किसके रूप में जानेंगे? आखिर उत्तरी बिंदु कहां है? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। जबकि यहां पर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन या कन्याकुमारी है, या कन्याकुमारी है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो इंदिरा काल और केप कमोरिन है, यह केप कमोरिन जो मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। किसका? मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु। किसका? मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, ठीक है, या दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु या दक्षिणतम बिंदु, अगर इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, या दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम में। पश्चिम में दोस्तों ध्यान रखिएगा, गौर माता या सरक्रीक या गुहार मोती यह कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है दोस्तों? तो यह गुजरात में स्थित है, भारत का पश्चिमी बिंदु। और पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों, यह है किबीथू। कौन सा है? किबीथू। और कहां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहां पर आपसे पूछा जाएगा केप कमोरिन कन्याकुमारी भारत के जो है कौन सी भूमि है, दक्षिणी भूमि है, तो मुख्य भूमिका है। अगर आपसे केवल और केवल पूछेगा कि भारत का दक्षिणी या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी या दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। और यह कहां पर है? यह ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहां पर है दोस्तों? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, तो मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कहां पर है दोस्तों? तो यह है केप कमोरिन या कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। जबकि अगर मुख्य भूमि शब्द नहीं जोड़ा होगा, अगर केवल पूछ लेगा कि भारत का दक्षिणतम या दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वह होगा पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, भारत के मध्य से
भारत के मध्य से होकर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। और आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम किस नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है, तो दो भागों में विभाजित करती है। एक हो जाता है कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग के नाम से, और कर्क रेखा से नीचे को क्या कहते हैं, दक्षिणी भाग के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी, कहीं ना कहीं उत्तरी और दक्षिणी जो भाग विभाजित किए जाते हैं कर्क रेखा से, इन्हें हम जलवायु के दृष्टिकोण से भी क्या करते हैं, जलवायु के दृष्टिकोण से भी हम जो है जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तरी भूमि है या उत्तरी भाग है, यह जो है किस जलवायु या किस कटिबंध के अंतर्गत आता है, या उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उपोष्ण का मतलब ठंडी और गर्मी जहां दोनों हो। और जबकि जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी क्षेत्र है, यह जो है किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, यह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। यानी कहीं ना कहीं इस कर्क रेखा के आधार पर भारत का क्षेत्रीय विभाजन तो होता है, साथ ही साथ जलवायविक विभाजन भी होता है। क्या होता है दोस्तों, तो जलवायविक विभाजन भी होता है। क्या होता है, जलवायविक विभाजन भी होता है। किसके आधार पे, जो है कर्क रेखा के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जलवायु विभाजन भारत को कौन सी रेखा करती है, तो कर्क रेखा करती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह भारत के मध्य से भी गुजरती है। मध्य से होकर 8 राज्यों से, कौन कौन से राज्य हैं, पहले नंबर पे है आपका गुजरात, गुजरात। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, राजस्थान। तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पे है आपका झारखंड, झारखंड। और छठवें नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल। और सातवें नंबर पे है आपका त्रिपुरा। और आठवें नंबर पे है आपका मिजोरम, कौन सा है दोस्तों, मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत की जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है, तो वह 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो करती है गुजरात से। किस राज्य से, गुजरात से। और किस राज्य से बाहर निकल जाती है, तो मिजोरम से। किस राज्य से, मिजोरम से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है, तो कर्क रेखा का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। किस में है, मध्य प्रदेश में। अर्थात यहां पर आप लिख सकते हैं कर्क रेखा का सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में, तो सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों है भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा या भारत का यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह यामोत्तर रेखाएं क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है देशांतर रेखा होती है
और जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है जिससे देश और दुनिया के समय का निर्धारण होता है वह है 0 डिग्री देशांतर। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। और इसी 0 डिग्री देशांतर के अनुरूप ही सारे देश अपने लिए, अपने देश के लिए क्या करते हैं, समय के निर्धारण के लिए एक देशांतर रेखा को चुनते हैं। उसी प्रकार से भारत ने भी क्या किया है, इसी के सापेक्ष यानी अंतरराष्ट्रीय मध्याह्न रेखा के सापेक्ष जो है भारत अपने लिए मानक समय रेखा का चुनाव किया है, जो कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि पूर्वी देशांतर क्यों लिखा गया है। पूर्वी देशांतर इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत 0 डिग्री के क्या है, पूरब में स्थित है। क्या है? पूरब में स्थित है, इसलिए जो 82.5 डिग्री है वह किधर, किस में है, पूरब में है, इसलिए इसे पूर्वी देशांतर के रूप में जाना जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और यह जो है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या प्रधान अंतरराष्ट्रीय मध्याह्न रेखा से भारत का जो मानक समय रेखा है वह 5.5 घंटे क्या है, आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है दोस्तों। तो जो यह भारत की मानक समय रेखा है यह कहां से गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। 5 राज्यों में कौन कौन सा है? पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका है उड़ीसा और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है हमारी जो है मानक समय रेखा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन 5 राज्यों से गुजरने के पश्चात यह कहां प्रवेश कर जाती है, तो यह प्रवेश कर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह भारत से निकलने के पश्चात सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, तो वह प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर जो हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा है या भारतीय मानक समय रेखा है या उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के किस जगह से गुजरती है, जो आपसे सवाल पूछा जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश से कहां से गुजरती है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी, के नैनी से, अगर आपको नैनी नहीं दिया हुआ है तो कहां से, मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वह उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजर रही है, तो 5 राज्यों से गुजर रही है। 5 राज्यों से गुजरने के पश्चात यह कहां पर प्रवेश कर जाती है, यह प्रवेश कर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एक सवाल यहां पर बहुत और अच्छा पूछा जा सकता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत के मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा, प्लस कर्क रेखा एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे यहां से एक आज सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों की, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश, पहले तो हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है, कि यह पूर्ण रूप से स्थलीय है या पूर्ण रूप से जलीय है या स्थलीय और जलीय दोनों है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद इनके पड़ोसी देशों की चर्चा की जाएगी, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों बात करें तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि इधर यहां से कर्क रेखा गुजर रही है,
कर्क रेखा से नीचे अगर देखेंगे तो यह क्या है, अरब सागर है। यह क्या है दोस्तों, अरब सागर है। और यहां पर क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। और इधर क्या है दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। यानी दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि कर्क रेखा से नीचे जो भारतीय क्षेत्र है वह तीन तरफ जलों से घिरा हुआ है। और जब तीन तरफ से घिरे हुए जलीय क्षेत्र के यानी तीन तरफ से घिरा हुआ कोई भी स्थल भाग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए भारत के दक्षिणी भाग को हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब है भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वह जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ बात करें दोस्तों तो इसका पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। यहां पर कौन सा है, यहां पर है अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान। इधर कौन सा देश है दोस्तों, तो इधर चीन है। और यहां पर कौन सा है, तो नेपाल है। और यह कौन सा देश है दोस्तों, तो भूटान है। यह कौन सा है, तो म्यांमार है। कौन सा है, म्यांमार है। और यह कौन सा देश है, तो दोस्तों बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है। अर्थात यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर भारत सात पड़ोसी देशों के साथ सीमा इसकी लगती है। कितने देशों के साथ, सात पड़ोसी देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो दोस्तों यहां पर सात पड़ोसी देशों के साथ लगती है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत की, जैसे मान लीजिए भारत की सीमा कितने देशों के साथ, तो सात देशों के साथ। तो विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा किसकी लगती है, तो विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ, विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा किसकी लगती है, चीन की। किसकी लगती है, चीन की। जबकि सेकंड नंबर पे कौन सा देश है, रूस है। कौन सा देश है दोस्तों, रूस है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ, सात देशों के साथ, जबकि सबसे अधिक देशों के साथ सीमा किसकी लगती है, चीन की, दूसरे नंबर पे रूस है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत के कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। अगर भारत के राज्य पूछा जाए तो राज्यों में सबसे अधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। किसकी, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की सीमा आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। और यह केंद्र शासित प्रदेश आपका है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। कौन सा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है दोस्तों। और जो है यह आठ राज्य हैं, आठ राज्य कौन से हैं, तो आठ राज्यों में पहला है उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा है दोस्तों, तो हरियाणा है, हरियाणा। चौथा कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। पांचवा कौन सा है, मध्य प्रदेश। छठवां कौन सा है, छत्तीसगढ़। सातवां कौन सा है, झारखंड। और आठवां कौन सा है दोस्तों, तो बिहार है। कौन सा है, बिहार है। तो ध्यान दीजिएगा कितने राज्यों के साथ सीमा लग रही है, आठ राज्यों के साथ। अब यहां पर एक जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो है एक महत्वपूर्ण बात है, सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ, तो हिमाचल प्रदेश के साथ। और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ, तो मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ बनती है, हिमाचल प्रदेश के साथ। और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनती है, तो मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक राज्यों को लगने वाला जिला, तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है जो चार राज्यों के साथ लगता है। चार राज्य में कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, वो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ सबसे अधिक लंबी
सीमा किसके साथ हमारी बनती है, कौन सा ऐसा कोई देश है कि जो पड़ोसी देश तो है लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसकी सीमा हमारे साथ साझा नहीं होती है, हमारे साथ साझा नहीं होती है। तो बात कर लेते हैं, यहां पर पहला लेते हैं पाकिस्तान। तो यह पाकिस्तान है दोस्तों, तो पाकिस्तान के साथ ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से, पहला राज्य हो गया आपका गुजरात, गुजरात, दूसरा राज्य हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान, तीसरा राज्य हो गया पंजाब, पंजाब, और चौथा हो गया आप जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और पांचवा हो गया लद्दाख। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह दोनों जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले चार राज्य लगते थे, अब दो केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपके सवाल सवाल पूछा जाएगा कि जो है कि जो है कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत की जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है दोस्तों, तो वह कौन सा है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वह लंबाई है 3,323 किलोमीटर। क्या है दोस्तों, 3,323 किलोमीटर है। और इसकी सीमा को जो है रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जो जिसके साथ जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो जब भी अगर पड़ोसी देश में पूछा जाए कि दो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है तो वह देश कौन सा होगा, पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है 3,323 किलोमीटर, और इसकी सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे से हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, वीडियो नंबर 2 में।